हली पे मेरे दिल की चोरखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी ये वाला स्टेटस बनाने के लिए गाइस आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने फिर दिया है उसको आप लोगों को लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है गाइस ये वाला स्टेट भी हम लाइट मोशन से एडिट करने वाले हैं सो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर चले जाना है यहां पर आप लोगों को सर्च करना है एस बी टे क्वाइटी ठीक है यहां पर सर्च कर दिया आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में ही गाइस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट देखने को आप लोगों को मिल जाता है यहां पर आप लोगों को विजिट करना है जो भी मटेरियल होता है गाइस जो भी लिंक होता है इसको मैं यहीं पर देता हूँ यहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर अगर आप लोगों के पास लाइट मोशन नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पर गाइस डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जो भी मैंने अप्रिशिएट का लिंक दिया उसको आप लोग को इस वाले वीडियो पर चले जाना यहां पर आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा ठीक है एंड यहाँ पे जाती है आप लोगों को इसको स्क्रॉल डाउन करना है ठीक है नीचे की और आप लोगों को स्क्रॉल करना है पे आप लोगों को दो प्रीसेट का लिंक मिल जाता है जो जो कि है है एक, एक जो है बीट मार्क का है एंड एक जो है सेक इफेक्ट वाला जो भी मैंने यूज किया है वो है ठीक है पर मैं जो भी मटेरियल वगैरह यूज करता हूँ भी आप लोगों को नीचे में मिल जाएगा आप उसका नीचे स्क्रॉल करके कई जो कुछ भी मैंने यूज किया उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले जो बीट मार्क वाला जो प्रीसेट है उसको आप लोगों को यहाँ पे इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ तो कई दोनों को आप लोगों को इम्पोर्ट करना है ठीक है पहले मैं आप लोगों को बीट मार्क वाला जो है उसको इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ तो सिंपली गाइस यहाँ से आप लोगों को सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट प्रिशेड पर आप लोगों को क्लिक कर देना है डायरेक्टली आप लोगों के अलाइट मोशन में जो है रिडायरेक्ट हो जाता है ठीक है तो कुछ ही सेकंड लगता है फिर यहाँ पे आप लोगों को इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से कई आप लोगों को इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है ठीक है तो इम्पोर्ट पर क्लिक करना है देखिए इस तरीके से एंड जस्ट ये होने में आप लोगों को फिर से वेबसाइट पर चले जाना है ठीक है यहाँ पर गाइस ये वाला जो है बीट मार्क है ये जो म्यूजिक यहाँ पर लगा हुआ है फिर से आप लोगों को जाना है वेबसाइट पर एंड यहाँ पे जाती है आप लोगों को जो सेक इफेक्ट वाला जो प्रिशिएट रहेगा उसको भी आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना है तो फिर से इंपोर्ट प्रिशिएट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है फिर से का इसे आप लोग के अलाइट मोशन में रिडायरेक्ट हो जाता है फिर यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर देना है ठीक है एंड ये दोनों यहाँ पर इंपोर्ट हो जाने के बाद आप लोगों को गाइस देखिए दोनों इस तरीके से हो जाता है और अगर आप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डी कर सकते हैं लिंक आप लोगों को गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना वहाँ पर भी आप लोगों को लेटे, लेटेस्ट अपडेट एंड मटेरियल वगैरह जो है वहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ एंड यहाँ से आप लोगों को आ जाना है बैक एंड गाइस जो यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर चले आना है एंड जो बीट मार्केट शेड जो आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए रहोगे उसको आप लोगों को ओपन करना है ठीक है देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ जाता है अब कई यहाँ से आप लोगों को सिंपली करना क्या है देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से कई यह ये वाला जो शेप है उसको आप लोगों को ले लेना है ठीक है फिर आपको इसको पूरे इस तरीके से पूरा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है एंड इसको आप लोगों को सिंपली कई यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है कलर पर चले आना है इसको आप लोगों को व्हाइट कर लेना है एंड इसको कुछ यहाँ यहाँ तक अभी रहने देना फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि करना क्या है एंड यहाँ से आ जाना है आप लोगों को बैक और बैक आने के बाद कई यहाँ पर जो न्यू प्रिशियड बाय एस टेक है इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को गाइस एक टेस्ट का जो सॉरी यहाँ से मैंने एक जो लिरिक्स वो है वो बना कर रखा हुआ है तो उसको आप लोगों को कॉपी करना है ठीक है तो कैसे करना है आप लोगों को बताता हूँ सिंपली इस पर आप लोगों को क्लिक करना है देखे एंड यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गाइस यहाँ पे क्लिक करती आप है आप लोगों को यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलता है यहाँ से कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ से आना है आप लोगों को बैक और बैक आने के बाद आप लोगों को फिर से वही वाला बीट मार्क वाला आप लोगों को यहाँ से ओपन करना है एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों को सिंपली करना है क्या यहाँ से फिर से आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको पेस्ट कर देना है देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा फिर आपको क्या करना है गाइस यहाँ से आप लोगों को दो फंड आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा ठीक है तो आप लोगों को तो गाइस यहाँ पर मैंने दो फंड का लिंक आप लोगों को वेबसाइट पर देके रखा है उन दोनों को आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना देखिए कैसे तो करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा सो इसको आप लोगों को रखना है यहाँ तक के तो गाइस यहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करना एंड आपको खींच के इसको नहीं बढ़ाना है ठीक है यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है देखिए इस वाले ऑप्शन पर चले आना आने यहाँ से आप लोगों को इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना देखिए कुछ यहाँ तक फर्स्ट वाला जो बीट यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ तक कि इसको बढ़ा लेना है इसको आप लोगों को करना है क्या कहो लिरिक्स आपको लोग जो म्यूजिक चल रहा है उसको आप लोगों को यहाँ से उसका लिक, जो लिरिक्स है वो लिख लेना है तो इस इसपे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोगों को एडिट व एडिट ग्रुप पर चले आना है ठीक है और जब एडिट ग्रुप पर आना है फिर गाइस यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को देखे मैंने एस बी टेक लिख रखा है तो इस इसपे आप लोगों को जो लिरिक्स रहेगा वो लिखना है तो इस पे क्लिक करना है देखे इस पर क्लिक करना नीचे वाले पे एडिट टेस्ट पे चले आने इसको आप लोगों को डिलीट कर लेना है पहले ठीक है एंड डिलीट करने के बाद आप लोगों को जो सॉन्ग का लिरिक्स रहेगा वो आप लोगों को यहाँ से लिख लेना तो मैं कहीं इस यहाँ से आप लोगों को लिख के बाद आता हूँ तो इस तरीके से कुछ है ठीक है मैं इसको यहाँ से इस तरीके से लिख लेता हूँ गाइस यहाँ पे आप लोगों को फंड जो है यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो गाइस मैंने आप लोग दो फंड का जो लिंक है वेबसाइट पर दे रखा है देखिए जो ये वाला है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्टोरिया फ्री एंड ये जो है वेडिंग का तो आप लोगों को दोनों को इंपोर्ट कैसे करना है मैं आप लोगों को गाइस बताता हूँ यहाँ से सबसे पहले तो आप वहाँ पर डाउनलोड करके जो जीप फाइल में रह गया उसको आप लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है ठीक है फिर आप लोगों को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर आने हैं विव ऑल फंड के ऑप्शन पर ठीक है जब आप यहाँ पे आओगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ से आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक कर रहे हैं एंड यहाँ से इम्पोर्ट फंड पे चले आना गाइज़ यहाँ पे आने के बाद जो आप एक्सट्रैक्ट किए रहोगे जो फाइल है उसको जिस भी यहाँ पर जिस भी फोल्डर में आप लोग किए रहोगे वहाँ पे चले आना एंड वहाँ से आप इसको डायरेक्ट गाइस जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सट्रैक्ट किया था तो यहाँ से आप इसको क्लिक करना फिर डायरेक्ट यहाँ पर ये यह गाइस जो फंड है यहाँ पर आ जाता है ठीक है फिर यहाँ से आप इजीली इस इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर आप लोगों को समझ में न आया तो गाइस यूट्यूब पर आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे अलाट मोशन में फंड फंड इम्पोर्ट कैसे करें वो आप लोग देख सकते हैं ठीक है फिर आपको यहाँ आने आना है यहाँ से बैक एंड यहाँ से ये यह वाला आप लोगों को डिस्टोरिया फ्री आपको इस पे यूज करना है फिर क्या एंड गाइ ये हो जाने मतलब आप लोग को सिंपली जो ऊपर वाला है ये वाला लेयर इस पर आप लोगों को क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे क्लिक करने आप लोगों को एडिट टेस्ट पर चले आना है एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को सबसे पहले जो ये वेडिंग वाला आप लोग जो यहाँ पर इंपोर्ट किए रहोगे फंड उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने मतलब इसको डिलीट करना एंड गाइस कोई सभी आप लोगों को एक यहाँ पर लेटर सिलेक्ट करना है फिर यहाँ पर आप लोगों को देखिए अलग अलग इमोजी यहाँ पर गाइस आ जाता है ठीक है जो आप लोगों को बेस्ट लगता है वो आप यहाँ से रख सकते हैं कुछ भी एंड यहाँ से आप लोगों को सिम्पली डन कर देना है आपको आना है यहाँ से बैक देखिए इस तरीके से आप लोगों का लिरिक्स का जो फर्स्ट लाइन है वो हो जाता है एंड इसको आप लोगों को जस्ट करना है यहाँ से कॉपी तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है उसको आप लोगों को गई यहाँ से फिर से आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है फिर से आप लोगों को यहाँ पर बीट है तो यहाँ तक आपको के आपको लेके आना है इस पर क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर आना एंड गई इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है ठीक है एंड आगे का जो लिरिक्स है आप लोगों को यहाँ से टाइप कर लेना है तो इस पर क्लिक करना है एडिट ग्रुप पर आना है

एंड एडिट टेस्ट पे क्लिक करना है इसको आप लोगों को हटा देना है एंड जो आप लोगों को फिर से जो ठीक लगता हो आप यहाँ से इस तरीके से रख सकते हैं यहाँ से आपको कर लेना है डन गाइज यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाता है ठीक है यहाँ से आप लोगों को फिर से बैक आना है एंड यहाँ पे इसका जो देखेगा इसमें जो कलर है यहाँ पर जो ब्लू कलर उसका अगर आप चेंज करना चाहते हो तो क्या करना है इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट के ऑप्शन पर चले आना है फिर आपको यहाँ पर स्ट्राइप्स का ऑप्शन मिलता है इस पर चले आना है ठीक है कैसे यहाँ से आने के बाद आप उसको इस तरीके से आगे बढ़ाना फिर जस्ट यहाँ पे आप लोग का कलर का ऑप्शन मिलता है कलर पर क्लिक करना आप लोग को जो कलर बढ़िया रखता है, है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो जो कलर आप लोगों को ठीक लगता है आप कोई सा भी रख सकते हैं देखिए इस तरीके से आप करना फिर यहाँ से कैश इजिली सलेक्ट हो जाता है सो यहाँ से आप लोगों को यहाँ से आ जाना है फिर से बैक एंड आगे का जो आप लोगों का लिरिक्स रहेगा उसको भी इसी तरीके से सेम यहाँ से पेस्ट कर देना है एंड इसको आप लोगों को गाइस फिर से उसी तरीके से आप लोगों को लिख लेना है ठीक है ये करने के बाद आप लोगों को जो यहाँ पर गाइस इतना जो लिरिक्स का जो काम है कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोगों को यहाँ से आगे जो है यहाँ पे गाइस फोटो इंपोर्ट करना है ठीक है मतलब फोटो यहाँ पर ऐड करना है तो कैसे करना है फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है पूरा लिरिक्स हो जाने के बाद ठीक है फिर आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है गाइस जो आप लोगों का फोटो रहेगा मॉडल का इमेज रहेगा उसको आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है तो फर्स्ट फोटो यहाँ से मैं लेता हूँ फिर आपको करना क्या थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से फिल कम्पोजिशन एरिया पे आप लोगों को क्लिक कर देना है इस यहाँ पर फोटो जो एडजस्ट हो जाता है एंड यहाँ पे आप मूव एंड ट्रांसफर पर आके यहाँ पर से भी आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप थर्ड वाले ऑप्शन पर आकर के इसको जूम वगैरह भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो जिस तरीके से आप लोगों को ठीक लगता है आप कर लीजिएगा फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट बिट पर पहुँच जाएगा फिर आपको इसका जो आगे का पार्ट रहेगा उसको आपको कट कर देना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक है आगे का पार्ट जो है कट हो जाता है फिर आपको प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर चले आना है आप लोगों का जो नेक्स्ट इमेज रहेगा उसको आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से डॉट पे क्लिक करना है यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है एंड आगे का पार्ट आप लोगों को सॉरी यहाँ से एरो पे क्लिक करना नेक्स्ट बीट पर आ जाएगा फिर आपको आगे का पार्ट जो है कट कर देना है तो यहाँ पे इस तरीके से कैसे आप लोगों को पूरा जितना बीट रहेगा जहाँ तक के आप लोगों को पूरा फोटो ऐड करते जाना है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है तो मैं इसको आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे कैसे आप लोगों को देखिए इस तरीके से पूरा लिरिक्स लिखना है फिर आप लोगों को एक एक करके यहाँ पर फोटोज़ जो है पूरा जहाँ तक के आप लोगों का म्यूजिक रहेगा वहाँ तक के इसको ऐड कर देना है ठीक है एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से आ जाना है बैक और बैक आने के बाद कैसे आप लोगों को ओपन करना है जो न्यू अप्रिसियड बाई एस बी टे वाला रहेगा वो वाला ठीक है तो इसको आप लोगों को ओपन करना है फिर ओपन करने के बाद आप लोगों को ये वो जो सेकेंड वाला दिख रहा है इसको आप लोगों को पहले कॉपी करना है ठीक है तो फोटो पे क्लिक करना कैसे यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना है फिर आने आप लोगों को यहाँ से बैक और बैक आने के बाद आप लोगों को फिर से वही वाला जो रहेगा उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है जिसमें आप लिरिक्स लिख रहे होगा फोटो ऐड किए रहोगे वो वाला एंड यहाँ से आने के बाद आप लोगों को सॉरी यहाँ से गाइस आप लोग जो जो ये बैकग्राउंड रहेगा ठीक है ना जो व्हाइट कलर का आप लोग जो सिलेक्ट किए रहोगे इस पर क्लिक करके आप लोग जहां तक के लिरिक्स रहेगा वहां तक के आप लोगों को इसको बढ़ा लेना है ठीक है तो उस उसपे क्लिक करके रखना फिर आगे बढ़ाना है यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है यहाँ तक के आ जाएगा अब आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फोटो है का, इस पर आप लोगों को ये वाला इफेक्ट जो हमने कॉपी किया था उसको आप लोगों को यहाँ से पेस्ट करना है तो इस पर क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री डॉट पे, पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है ठीक है जस्ट एक फोटो आप लोगों को छोड़ना है फिर से नेक्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है एंड कैसे जस्ट आप लोगों को फिर से एक फोटो छोड़ना है फिर से आप लोगों को नेक्स्ट वाले फोटो में इस तरीके से पेस्ट कर देना है एंड एक फोटो छोड़ के फिर से नेक्स्ट वाले फोटो पर इस तरीके से आप लोगों को पेस्ट करते जाना है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं इसके बाद आप लोगों को सिंपली देखिए इस तरीके से करने के बाद गई आप लोगों को यहाँ से आ जाना है बैक पहले सही फोटो उस पर कर लेना है ठीक है एंड बैक आना है फिर वो वाला इफेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से न्यू इफेक्ट न्यू अप्रिशिएड बा एक वाला ओपन करना है एंड जो ये वाला इफेक्ट है गाइस इसको आप लोगों को इसको कॉपी करना है ठीक है तो इस पर क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करना एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना है फिर आ जाना है यहाँ से बैक और फिर से वही वाला आप लोगों को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद बाकी जितने भी फोटो बचा रहेगा एक एक फोटो हमने छोड़ा था उस पर आप लोगों को इसको पेस्ट कर देना तो फर्स्ट फर्स्ट फोटो में हमने किया था नेक्स्ट वाला छोड़ा था तो इस इसे क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करना यहाँ से पेस्ट कर देना है फिर से इस वाले फोटो में हो चुका है गया... अब नेक्स्ट इस फोटो जो आता है इस क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है गाइज इस वाले जो फोटो का लेंथ है वो काफी ज्यादा छोटा है तो इस पर अगर एक एक इफेट जो है मैं यहां पर कट कर देता हूँ तो इफेक्ट पर क्लिक करके गाइज यहाँ पर जो ग्लोव स्कैन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूं अगर आप रखना चाहो तो तो रख सकते हो या तो फिर इसको डिलीट कर देना ठीक है फिर इस वाले फोटो पर लग चुका है फिर आपको नेक्स्ट फोटो पर फिर से चले आना इफेक्ट पर क्लिक करना एंड यहाँ से इस, इस तरीके से पेस्ट कर देना है फिर से कहा इस यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ देखिए इस तरीके से एंड ग्लो स्क्रेन इस पर भी मैं डिलीट कर देता हूँ यह वाला फोटो का लेंथ भी काफी ज़्यादा छोटा है एंड इस पर भी लग चुका है फिर से नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करके इस तरीके से पेस्ट कर देना है गाइस इस तरीके से आप लोगों को पूरा करते जाना यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंब और लंबा हो जाएगा एंड इस तरीके से करने के बाद आप लोगों का वीडियो जो है कंप्लीट बनकर रेडी हो जाएगा और गाइस और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी तो यहाँ पे सो तो यहाँ पे गाइस आप लोगों का वीडियो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो जाता है फिर आप लोगों को सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है तो इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है इसको आप लोगों को एक्सपोर्ट कर देना है जिससे आप लोगों के गैलरी में सेव हो जाएगा तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे